लुपासा में स्थित कृषि उपज मंडी के पास मुस्लिम समाज को नमाज अदा करने के लिए चबूतरा बनाया जाएगा, जिससे मुस्लिम समाज के लोगों में खुशी देखने को मिली। काफी समय से मुस्लिम समाज के लोग कृषि उपज मंडी में नमाज अदा करते थे, जिसको लेकर समाज के लोगों ने सरपंच प्रतिनिधि दीपक रघुवंशी से संपर्क किया। इसके बाद सरपंच रीना बाई जाटव के द्वारा पूरे प्रांगण की बाउंड्री कराई गई, जिसमें चबूतरा भी बनाने का आश्वासन दिया, जिसको लेकर चबूतरा की नाप तोल कराई गई। ये हमारी ईदगाह का काम चालू हुआ है, इंशाल्लाह दीपक सरपंच साहब ने ये काम चालू करवाया है। आज तक हमारे लोकवासा के अंदर ईदगाह नहीं थी, हम मतलब मंडी के अंदर टी शर्ट पर नमाज पढ़ते थे, तो ये बहुत अच्छा इनका सराहनीय काम रहा है और इसके लिए हम दीपक सरपंच जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा ये काम कर दिया है। क्या नाम है? वालेकुम। जहाँ जाए थे क्या आज ये हो रहा है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये आज ईदगाह का काम शुरू हो रहा है। माशाल्लाह हमारे यहाँ के लोकवासा के सरपंच साहब दीपक रघुवंशी साहब की तरफ से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है और सभी हजरात इसमें शामिल हैं। शेरू भाई हैं, गयासुद्दीन भाई, अब्दुल्ला चच्चा और भी नौजवान मुस्लिम तबके के लड़के हैं और माशाल्लाह सभी इनकी इस चीज़ से खुश हैं और आगे इनका साथ देने की कोशिश करेंगे। जिस भी चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ हैं और इन्होंने ये कब्रिस्तान की बाउंड्री भी बनवाई और माशाल्लाह सारी चीज़ें इसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छी लाइट भी लगवाई जा रही है और ये आगे चल के इसमें पेड़ पौधे यानी खूबसूरती के लिए इसके गड्ढे भरवाएंगे और इसके अंदर जो कुछ हो सकेगा वो करेंगे। इन्होंने इस चीज़ का संकल्प किया है, वादा किया है मुस्लिम समाज से। और क्या यहाँ पे नमाज पढ़ी जाएगी? यहाँ पे ईद की नमाज होगी, उसके लिए चबूतरा बनवा रहे हैं माशाल्लाह बहुत बड़ा। अभी नहीं है, अभी है नहीं है और इसके अंदर एक मैयत की नमाज के लिए भी एक चबूतरा बनाने का इन्होंने संकल्प किया है। आगे चल के फ्यूचर में उसको भी मुस्तकबिल में उसको भी अंजाम दिया जाएगा। तो जी काफ़ी समय से यहाँ पे बाउंड्री वॉल कब्रिस्तान ईदगाह की निर्माण कार्य चल रहा था, उसमें ही इसमें कम परिसर के अंदर ईदगाह चबूतरे का निर्माण चल रहा है, उसके संबंध में सभी मुस्लिम भाई एकत्रित हुए हैं। आपको जानकारी लिए बता दूं कि लुकवासा में बहुत लंबे समय से बहुत बड़े परिवार के रूप में काफ़ी मुस्लिम समुदाय के लोग रहती है, लेकिन नमाज अदा करने के लिए भी स्थान नहीं था। काफ़ी समय समस्या थी मंडी में, उस परिसर में नमाज पढ़ी जाती है जहाँ पे ग्रामीण किसान अपना गेहूं चना बेचने के लिए फसल लाते, उस चबूतरे बैठ के नमाज अदा की जाती थी। इस समस्या के समाधान को लेकर सभी लोग जागरूक हुए, सबके सहयोग से ये काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और शीघ्र पूर्ण होगा।